लाइट जला दीजिए। आगरा में दो अज्ञात युवकों ने 10वीं की छात्रा संजली को जिंदा जलाकर मार दिया था, जिसके विरोध में 22 दिसंबर 2018 शनिवार को वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्रों ने काशी विद्यापीठ गेट नंबर 2 से शाम लगभग 6 बजे मशाल जुलूस निकालकर भारत माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 10वीं की छात्रा संजली को विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित। सैकड़ों की संख्या में जुटे काशी विद्यापीठ के छात्रों ने संजली को न्याय दिलाने की मांग की, साथ ही छात्रों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वाराणसी से दीपक तिवारी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मैं राहुल राज हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ। आज आप लोगों ने किस तरह की संजली किसको दी है? जी, देश में मौजूदा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 3 दिन पहले एक लड़की जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, जिसका नाम संजली था, उसे दो युवक आते हैं दिन दहाड़े सड़क पर पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर देते हैं। 2 दिन बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब देश में दिन दहाड़े काम चल रहा है, योगी सरकार, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन सही मायने में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बेबुनियादी है। कोई भी महिलाओं पर काम नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, वर्ल्ड रेप क्राइम देख लीजिए, पूरे भारत में प्रथम स्थान है, वर्ल्ड में पूरे प्रथम स्थान पर वर्ल्ड रेप क्राइम है, वर्ल्ड वुमेन क्राइम भी प्रथम स्थान पर पूरे वर्ल्ड में। तो सही मायने में देश में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ खूब अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार केवल और केवल जुमलेबाजी करने का काम कर रही है। कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, नहीं तो दिन दहाड़े कोई पेट्रोल डालकर नहीं चला जाता। चल रहे आए दिन तक, इसके पहले देखा गया कि निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी लोगों ने श्रद्धांजलि दिया था, फिर उसके बाद एक युवती का हुआ था, तब भी लोगों ने श्रद्धांजलि लेकर निकले थे, लेकिन क्या इससे हल निकलेगा श्रद्धांजलि जो आप लोग दे रहे हैं? निर्भया हत्याकांड और बलात्कार केस में भी नौजवानों ने सड़क पर उतरे, छात्र विद्यार्थी सभी, पूरी जनता भारत की एक साथ थी निर्भया के साथ, और आज संजली के साथ भी उसी तरह उतरी है। आपने देखा होगा कि निर्भया वाले कांड में कानून संशोधन भी हुआ, सारे लोगों को फांसी की सजा भी हुई। आज हम लोग अगर मशाल जुलूस लेकर निकले हैं तो सही मायने में इसलिए निकले हैं कि जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा हो और प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। अगर नहीं करती है तो सही मायने में हम लोग हर जिला अधिकारी और SSP ऑफिस पर धरना देंगे, घेराव करेंगे, और हो सकता है कि आगजनी भी करें, सड़क पर उतरकर बड़े से बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अब कोई महिला शिकार